जी वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं रेफ एफएम 102.2। और सामीन, मैं आपको बताती चलूँ कि जैसे कि मैंने ट्रांसमिशन के स्टार्ट में अनाउंस किया था कि हमारा जो लास्ट प्रोग्राम होगा उसका नाम होगा रिहैब टाइम। और अभी इस वक्त यहाँ पे स्टूडियोज़ में मेरे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं। मैं डॉक्टर साहब का तारुफ करवाना चाहूँगी। जनाब, अभी मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर फहीम अफजल साहब, और ये PhD स्कॉलर हैं फिजिकल थेरेपी के हवाले से। और इसके साथ साथ इन्होंने रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में DPT में इन्होंने इनकी क्वालिफिकेशन है। और इसके साथ साथ इनकी जो है स्पेशलिटी है वो है स्पोर्ट्स थेरेपी और फिजिकल थेरेपी में स्पोर्ट्स जो है वो अपना किरदार कैसे अदा करती है, इसके हवाले से ये इनकी स्पेशलाइजेशन है। और अभी आज हम फिजिकल थेरेपी में स्पोर्ट्स का क्या किरदार है और किस तरह से ये मुआवन साबित होती है, इसी हवाले से आज हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम में। सो सबसे पहले डॉक्टर साहब, मैं आपको आज के ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहती हूँ। थैंक यू। और सबसे पहले डॉक्टर साहब, मैं और मेरे सामाइन यकीनन ये जानना चाहेंगे कि स्पोर्ट्स से हमारी मुराद क्या है। देखें जी, स्पोर्ट्स बेसिकली एक बहुत बड़ी टर्म है। इसमें हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं। कुछ ऐसी स्पोर्ट्स होती हैं जो आप इंडोर या एक बंद एरिया में कर सकते हैं, कुछ ऐसी स्पोर्ट्स होती हैं जो आउटडोर होती हैं। हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली ये थोड़ी सी डेफिशिएंसी है कि हम आउटडोर में भी कुछ स्पेसिफिक जो एक्टिविटीज़ हैं उस पर हमारा रुझान ज़्यादा है, लेकिन इंडोर एक्टिविटीज़ जैसे बैडमिंटन हो गया या दूसरी एक्टिविटीज स्विमिंग वगैरह, उस पर हम इतना पार्टिसिपेट नहीं करते। और हमारे जो आने वाले बच्चे हैं और हमारे जो बुजुर्ग हैं, हम उनको इस तरह की एक्टिविटीज़ में इंडल्ज या उनको इंट्रोड्यूस नहीं करवाते हैं। सही। तो दो चीज़ें हैं, इंडोर है, आउटडोर है, दोनों के अपने अपने रोल हैं, दोनों का अपना अपना फंक्शन है, दोनों के अपनी अपनी फायदे हैं जो करवाने चाहिए। सही सही। अच्छा डॉक्टर साहब, जब हम बात करते हैं इंडोर की भी हम बात करते हैं, आउटडोर एक्टिविटीज की भी बात करते हैं, तो फिजिकल थेरेपी की जब हम बात करते हैं तो उसमें आउटडोर एक्टिविटीज ज्यादा अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से अपना रोल अदा करती हैं या इंडोर? क्योंकि इंडोर जो है वो ज्यादातर आपकी कॉग्निशन से, आपकी ज़हनी उस हवाले से जो है वो होती हैं, जबकि आउटडोर की है वो फिजिकली होती हैं जिसमें आपका जिस्मानी फाल जो है वो पूरे तौर पर था। जो आपकी आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं इसमें बेसिकली होता यह है कि आपको फ्रेश एयर कंटिन्यूस मिल रही होती है और आपकी एक्टिविटीज़ आम तौर पे थोड़ी सी हार्ड होने का ज़्यादा मतलब हम कनात होते हैं। उसमें इंजरी के चांसेस बहुत कॉमन होते हैं कि मैं अगर एक गेम में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, लाइक क्रिकेट है या फुटबॉल है, और मैं 4 आवर्स और 30-40 मिनट्स कंटिन्यूस एक एक्टिविटी कर रहा हूँ, तो उसमें ये प्रॉब्लम बहुत कॉमनली आएगा कि आपके मसल पुल हो सकता है या छोटे मोटे जो आपके लिगामेंट्स हैं उसमें कोई इंजरी या कोई मसला शुरू हो जाए। तो जो आपकी आउटडोर एक्टिविटीज है उसमें स्पोर्ट फिजियोथेरेपिस्ट का मेजर काम ये होता है कि वो उनके पट्टों को और उनके बाकी स्ट्रक्चर्स को, बोन्स को इतना ताकतवर रखे कि वो जब गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो वो अपनी मैक्सिमम एफर्ट प्रोड्यूस करें और साथ के साथ उनकी जो ताकत है वो कहीं पे उनको नेगेटिव जो इफेक्ट है वो ना दे। इसी तरह अगर हम इंडोर की बात करें तो इंडोर में हम बेसिकली ये करते हैं कि उनके जो दिल की एक्टिविटीज हैं, कार्डियोपल्मोनरी जिन्हें एंड्योरेंस कहा जाता है, या दिल के पट्टों की ताकत कहा जाता है, फेफड़ों के पट्टों की ताकत कहा जाता है, उसको बढ़ाया जाता है। मतलब ये है कि हम उनकी परफॉर्मेंस पे ज्यादा काम करते हैं ताकि जब वो एक्टिविटी करें तो वो थके ना, और अगर वो एक्टिविटी एक्सटेंड होती जाए, क्योंकि ऐसी एक्टिविटी जो इंडोर होती है वो आवर्स तक चलती है, कई दफा 4 से 6 घंटे तक एक जो गेम है वो कंटिन्यूस रहती है, तो उसमें हमारा बेसिकली रोल ये होता है कि हम उनकी परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज करें या बढ़ाएं ताकि जब वो गेम कर रहे हो तो उनका दिल, उनके पट्टे, उनका फेफड़े, वो सारे उनके साथ पार्टिसिपेशन अपनी दे रहे हो। अच्छा, मुझे इसमें थोड़ा सा, अगर हम इसको थोड़ा सा इस लिहाज से देखें कि मेल्स और फीमेल्स में ये जो है स्पोर्ट्स किस तरह से ये रोल प्ले करते हैं, और इसी तरह से अगर हम थोड़ा सा इसको एज वाइज भी अगर हम देखेंगे बच्चों और बूढ़ों में ये किस तरह से अपना किरदार अदा करते हैं, क्योंकि आजकल नॉर्मली अगर देखा जाए तो बच्चे भी इंडोर एक्टिविटीज में ज्यादा एंगेज दिखाई देते हैं और बूढ़ों के लिए हम मोस्टली रिकमेंड भी शायद इंडोर एक्टिविटीज ही कर रहे होते हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, दो सवाल आपके, एक तो ये है कि फीमेल और मेल जी, फीमेल में कुछ ऐसे मसाइल हैं जैसे स्पोर्ट्स जो फीमेल्स होती हैं जो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती हैं उनमें एक प्रॉब्लम आता है फीमेल एथलीट ट्राइड, ये एक बहुत बड़ी टर्म है। इसमें प्रॉब्लम ये आता है कि फीमेल्स की जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं, फीमेल के अंदर खाना जो है वो बहुत
कम खाना शुरू कर देती हैं, वजन घटना शुरू हो जाता है, ये बहुत कॉमन मिलता है। मेल में जो सा है वो इस तरह की चीजें नहीं आती, क्योंकि फीमेल्स में हार्मोनल चेंज वक्त के साथ साथ आते रहते हैं, मतलब हर महीने जो फीमेल्स के मसाइल हैं उसकी वजह से उनमें इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं जो कि हार्मोनल होते हैं। तो बेसिकली रोल ये होता है कि अगर हम फीमेल को पार्टिसिपेट करवाएंगे तो जो उनकी बोन की ताकत है या जो हड्डियों की ताकत है वो बढ़ती है, उनके हार्मोनल जो चेंज आ रहा है, जो स्ट्रक्चर चेंज आ रहा है वो कम हो जाता है, और उनको जो 40-45 साल की उम्र के बाद जो प्रॉब्लम्स आना शुरू होते हैं, घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द, वो ऑटोमेटिकली थोड़ा लेटर स्टेजेस में चला जाता है। जो चीज़ आपको 45 के बाद किसी को सफर करनी पड़ती है वो 60-70s में चली जाती है। तो इसलिए हम ये फोकस करते हैं कि जो मेल जिस तरह अपने किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, सेम एज इट इज जो फीमेल है वो भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें या फिजिकल एक्टिविटी करें, वो बेशक इंडोर हो या आउटडोर हो, लेकिन उन दोनों का फायदा उस फीमेल को और उन फीमेल की वजह से उस पूरे घराने को हो रहा होता है। और जो दूसरी आपने चीज पूछी है मुझसे कि हमारे पास जो मतलब बच्चे हैं या बूढ़े बुजुर्ग हमारे पास जो आते हैं, बच्चों का हमारा आजकल जो यहाँ पे रुझान चल रहा है बहुत कॉमनली कि मोबाइल यूजर्स हो गए हैं, हैंडीकैप एक किस्म के स्ट्रक्चर्स रखे हुए हैं, कंटिन्यूस मोबाइल यूज कर रहे हैं, स्कूल से आते हैं या ट्यूशन से आते हैं तो मोबाइल लेके अपनी जो एक्टिविटीज वो कर देते हैं। तो उनमें जो चीज डेफिशिएंट आ रही है या कम आ रही है वो ये आ रही है कि हम उनको स्पोर्ट्स का नहीं बता रहे कि आप बाहर जाएं या बाहर जाके खेलें, कोई स्पोर्ट्स खेलें, कोई फुटबॉल, कोई क्रिकेट या कोई अंदर स्विमिंग, कोई टेनिस, बैडमिंटन, कुछ भी। तो वो चीज का नुकसान ये हो रहा है कि हमारे बच्चे 10-12 साल की उम्र में आते हैं तो उनको गर्दन के या बाकी जगहों पे मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो मेरे इस बेसिकली इंटरव्यू का मकसद भी यही है कि हम अपने बच्चों को एंगेज करें कि वो घर के अंदर रह के इंडोर एक्टिविटीज करने की बजाय या मोबाइल या LEDs पे सिर्फ कार्टून्स देखने की बजाय बाहर आए, अपने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें ताकि वो फिजिकली फिट हों, ताकि वो आगे जाके हमारा और हमारे मतलब पाकिस्तान के लिए एसेट बन सके। सेम इसी तरह जो बुजुर्गों की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है या अलमिया कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पे बुजुर्ग 35 के बाद जब एक बंदा 35 एज क्रॉस करता है तो वो फिर स्पोर्ट्स में या कोई एक्टिविटी स्टार्ट कर देता है, लाइक रनिंग स्टार्ट कर दिया, कुछ कर दिया, तो उससे उनको पॉजिटिव इफेक्ट की बजाय नेगेटिव इफेक्ट स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि आपने पिछले 35 साल कुछ नहीं किया और आपने 35 साल के बाद अचानक रनिंग स्टार्ट कर दी और किलोमीटर्स के हिसाब से स्टार्ट कर दी, तो उसका नुकसान ही होगा कि उनके घुटनों में या बाकी जगहों पर दर्द शुरू हो जाते हैं। तो बेसिकली फिजियोथेरेपिस्ट यहाँ पे ये करते हैं, स्पोर्ट फिजियोथेरेपिस्ट ये करते हैं कि हम उनकी चीजों को मॉनिटर करते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है आपकी BMI, जिसे हम बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं। बॉडी मास इंडेक्स बेसिकली ये है कि हम उनका वजन देखते हैं, उनका कद देखते हैं, उनकी हाइट देखते हैं, उसको कैलकुलेट करके एक उनकी इंटेंसिटी निकालते हैं। एक आम जिसे हेल्दी मतलब रेंज कहा जाता है वो हमारे पास 18.5 अप टू 24.9 है, जिसको हम नॉर्मल कंसीडर करते हैं। और अगर हम पाकिस्तान में देखें तो हमारे जो 35-40s के बाद जो भी पॉपुलेशन या जो भी लोग हैं उनका BMI 25 प्लस होता है, क्योंकि वो उससे पहले फिजिकली एक्टिविटी नहीं करते हैं या स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो स्पोर्ट फिजियोथेरेपिस्ट यहाँ पे अपना रोल प्ले ये करता है कि हम उनको एंगेज करते हैं, काउंसल करते हैं कि वो इस तरह की एक्टिविटीज करें ताकि जो उनके प्रॉब्लम्स हैं वो कम से कम रहे। जैसे हमारे यहाँ पे बहुत सारी बीमारियां हैं पाकिस्तान में, खासकर शुगर, ब्लड प्रेशर बहुत कॉमन है, तो हमारा ये रोल होता है कि इसको किसी तरह कम से कम तर किया जा सके। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इन बीमारियों के हवाले से यकीनन आपकी राय जो है वो मजीद जानी चाहिए। सामाइन आपको बताती चलूं कि हमारा ये जो प्रोग्राम है ये आप रेफो FM 102.2 पे भी सुन रहे हैं, इसके साथ साथ ये प्रोग्राम जो है वो फेसबुक पे लाइव भी जा रहा है, तो आप वहां पे भी जो भी आपके सवालात हैं वो आप पूछ सकते हैं फिजिकल थेरेपी के हवाले से, और स्पेशली आज जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं कि स्पोर्ट्स का क्या किरदार है फिजिकल थेरेपी के हवाले से। डॉक्टर साहब, यहाँ पे भी आपने बात किया कि जब एक पेशेंट आपके पास आता है और जो आपने जिक्र किया कि वो उसने पहले इतना अपना लाइफ स्पैन में नहीं एक्टिविटीज़ कोई की, फिजिकल एक्टिविटीज़ या स्पोर्ट्स नहीं किए और एकदम से वो करना शुरू कर देते हैं, तो हमारे यहाँ एक रुझान देखने में आया है कि लोग ऐसा तब करना शुरू करते हैं जब उनको या तो डॉक्टर रेकमेंड करा हो या उनको अंदाजा होने लगे कि जी अब हमें फलां बीमारी जो है, अब हमें मसल्स की कोई बीमारी आ रही है या हमें BP का कोई इशू आ रहा है, तो वहां पे जब आप अपने मालिश के पास जाते हैं वो आपको मशवरा देता है कि जी अब आप वॉक भी करें, अब आप हल्की फुल्की रनिंग भी करें, अब आप इस तरह की एक्टिविटीज में भी इंगेज हों। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगी कि जो हमारे यहाँ आजकल एक बीमारी शुगर डायबिटिक जो है वो बहुत ज्यादा आम बीमारी हो चुकी है, हर दूसरा तीसरा बंदा आपको इस बीमारी में मुब्तला दिखाई देता है, या ब्लड प्रेशर
की बीमारी जो है, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर की तो खैर कमी है, हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी जो है वो बहुत ज्यादा दिखाई दी। तो इन दोनों बीमारियों में स्पोर्ट्स जो है या स्पोर्ट्स फिजिकल थेरेपी जो है वो किस तरह से अपना किरदार अदा करती है? देखें, हमें शुगर से पहले शुगर समझनी पड़ेगी कि होती क्यों है। सही, शुगर की एक बहुत बड़ी वजह जो है वो आपका मोटापा या ओबेसिटी कंसिडर होता है कि हम जो है खाते हैं, बैठ जाते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते अपने बिजी स्केड्यूल की वजह से, या हम उसे अगर समराइज कर दो तो हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो सेडेंट्री काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल है कि हम ज्यादा एक्टिविटीज नहीं करते, खाना पीना बैठ जाना। उससे प्रॉब्लम ये होता है कि आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंज आना शुरू होता है। जो चीज आपके शुगर या जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं, ठीक है, वो आपके अगर लीवर में या जिगर में स्टोर नहीं होगी तो आपका जो शुगर लेवल है वो ब्लड के अंदर बढ़ना शुरू हो जाएगा। सही। रैंडम और फास्टिंग दो तरीके होते हैं जिससे हम उनकी शुगर को चेक करते हैं। आमतौर पे जो रैंडम है वो कॉमनली चेक किया जाता है और वो 200 मिलीग्राम से भी ऊपर चली जाती है। अब इसमें प्रॉब्लम ये आता है, शुगर के मरीज जैसे उन्हें पता चलता है या वो डायग्नोस्ड होते हैं कि उन्हें शुगर है तब वो मेडिसिन लेना स्टार्ट कर देते हैं। सही। मेडिसिन, जितने भी मेडिसिन हैं वो बेसिकली किस्म की आप कह लें कि उस चीज को जो स्टोरेज है उसको बढ़ा देती है, लेकिन हर चीज का कहीं ना कहीं, क्योंकि वो आर्टिफिशियल यूज है तो नुकसान भी है। आप लेते जाते हैं लेते जाते हैं, एक वक्त ऐसा आता है कि आप वो मेडिसिन डोज बढ़ा के भी ले रहे हैं लेकिन आपको उसका फायदा फायदा नहीं हो नहीं रहा। हो रहा, और फिर आपको उससे आगे वाली स्टेज पे जाना पड़ता है जिसमें आप इंसुलिन अपने इंजेक्ट करना शुरू या टीके की फॉर्म में लगाना शुरू कर देते हैं। जो चीज यहाँ पे कम रहती है वो यह है कि इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है, एक मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, ACSM, अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन। वो बेसिकली ये कहते हैं, रिसर्च के साथ, एविडेंस के साथ ये कहते हैं कि अगर आप रोजाना 30 मिनट की या एक हफ्ते के अंदर 150 मिनट एक्टिविटी करते हैं, बेशक उसको जैसे मर्जी स्केड्यूल करें लेकिन सही। 150 मिनट अ वीक एक्टिविटी करते हैं, तो आपका जो 3 महीने के अंदर शुगर या ब्लड प्रेशर के जो मसाइल हैं वो आप कंट्रोल कर लेते हैं। जो आपका बीपी रेज कर रहा है या आपका शुगर लेवल 200 से ऊपर जा रहा है तो वो दोबारा नीचे अपनी नॉर्मल रेंज की तरफ आना शुरू हो जाता है। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि जो आप मेडिसिन ले रहे हैं, जो उसके एक्सपेंसेस बियर कर रहे हैं या उसकी वजह से जो अपने इंटरनल चीजों को खराब कर रहे हैं वो थोड़ा सा कम हो जाता है। आप एक्सरसाइज, जिसका एज सच कोई नुकसान नहीं है, वो साथ स्टार्ट करते हैं, टाइम स्केड्यूल करते हैं और अपनी एक्टिविटी करके अपना शुगर लेवल कंट्रोल कर लेते हैं। इससे फायदा ये होता है कि आपका जो लाइफ स्पैन है वो बढ़ जाता है। हमारे यहाँ पे क्योंकि पहले कोई एक्टिविटीज नहीं होती हैं, उसके बाद भी एक्टिविटीज नहीं होती हैं, तो ऑटोमेटिकली जो शुगर के मसाइल हैं जिसकी वजह से पाँव में कोई चीज महसूस होना कम हो जाती है, पाँव और टांगों में आंखों की बनाई कम होना शुरू हो जाती है, गुर्दों के मसाइल होना शुरू हो जाते हैं, कंधा जाम होना शुरू हो जाते हैं, या ब्लड प्रेशर आगे पीछे बढ़ना या कम होना शुरू हो जाता है, ये चीजें बहुत कॉमन मिलती हैं। तो वो सही। नुकसान जो है वो हम फिजियोथेरेपी के थ्रू या स्पोर्ट्स के थ्रू हम उसको कम कर किया सकते हैं। जा सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी तरह से अगर हम कुछ और बीमारियों के हवाले से भी अगर इसका जिक्र करें, जैसे हाइपरटेंशन जो है वो भी आजकल ये बीमारी बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है, हर दूसरा तीसरा शख्स जो है वो इस बीमारी में मुबतला दिखाई देता है, तो इसमें जो है फिजिकल थेरेपी किस तरह से अपना रोल प्ले कर सकती है? ये भी सेम वही चीज है, बस डिफरेंस थोड़ा सा ये है कि शुगर का मरीज होता है उसमें हार्मोनल चेंज आना शुरू हो जाता है। अगर हम ब्लड प्रेशर की बात करें तो ब्लड प्रेशर में बेसिकली यह है कि हमारे जो आजकल का यहाँ का एनवायरमेंट है, डिप्रेशन बहुत ज्यादा है, परेशानी डिप्रेशन बहुत ज्यादा है, कोई भी चीज जो उनसे हम उसको अपने ऊपर डोमिनेंट या हावी कर लेते हैं तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है आमतौर पर बढ़ जाता है। पहले जो गाइडलाइंस थी, जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की गाइडलाइंस थी, वो ये कहते थे कि 160 जो ऊपर वाला जो 120 होता है सिस्टोलिक जिसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, वो अगर 160 से ऊपर जाएगा तो वो बढ़ रहा है स्टेज वन, या 200 से ऊपर जाएगा तो अलार्म है कि आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। अब सही। उनकी गाइडलाइन भी मॉडिफाई हो गई है, अब वो ये कहते हैं कि अगर 130 अबव भी जाता है ऊपर वाला जो आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है जो कि 120 होना चाहिए, वो अगर 130 से भी ऊपर जाएगा तो वो हाइपरटेंशन है। और अगर आप हमारे यहाँ पे किसी का ब्लड प्रेशर चेक करें तो वो 130 से ऊपर आराम से आपको जा मिल रहा जाएगा, होता है, जिसका मतलब मतलब है कि हमें हाइपरटेंशन की बीमारी और हर किसी ज्यादा को है। बढ़ चुकी है। अच्छा, अब उसका बेसिकली मैनेजमेंट क्या है, आप उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? आप उसी तरह जैसे हमने शुगर की बात किया, मेडिसिन लेते हैं, मेडिसिन का भी कुछ टाइम तक फायदा मिलता है, फिर वो भी रेजिस्टेंट बॉडी जो होना शुरू हो जाती है, मतलब आप मेडिसिन ले रहे हैं लेकिन आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा। या कुछ लोग ये भी गलती करते हैं कि वो मेडिसिन पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं और मेडिसिन लेते हैं तो ब्लड प्रेशर गिरना शुरू रहता है, जिसे हम हाइपोटेंशन कहते हैं। इसी में एक चीज आपको बताता चलूं, शुगर या ब्लड प्रेशर ये दोनों चीजें ऐसी चीजें हैं, अगर बढ़ जाएं
तो हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं किसी भी चीज के थ्रू, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है, मेडिकल मैनेजमेंट है, लेकिन अगर चीज कम हो जाए तो वो ज्यादा नुकसान दे। एक शुगर का मरीज या एक ब्लड प्रेशर का मरीज, उनका बीपी कम होता जा रहा है या शुगर लेवल कम होता जा रहा है, तो आपको पता नहीं चलेगा कि उसका प्रॉब्लम क्या है और वो बेहोश और फेंट होना शुरू हो जाएगा और उससे उसकी डेथ भी हो सकती है। तो हमारे यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रहा है वो ये आ रहा है कि हम मेडिसिन पे इतना फोकस करते हैं कि हम शुगर बहुत कम करवा देते हैं जिसे हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, सेम इसी तरह हम ब्लड प्रेशर इतना कम करवा देते हैं मेडिसिन की वजह से या और चीज़ों की वजह से कि हाइपोटेंशन जो है वो होना शुरू हो जाती है। और इन चीज़ों का आपके दिल पे, साथ के साथ आपकी आंखों पे, आपके दिमाग पे काफ़ी खतरनाक किस्म के नुकसान है जो से आपको सफर या फेस करने पड़ते हैं। अच्छा रोसा, मुझे इसमें यहाँ पे ये बताइएगा, एक तो मैं कुछ थोड़ी सी जो इसमें स्पोर्ट्स के हवाले से जो आप जिन बीमारियों का भी हम जिक्र करें उसमें जो आप स्पोर्ट्स करवाते हैं ऐसे पेशेंट्स को, उसके हवाले से थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगी, और साथ में मैं ये भी जानना चाहूंगी कि क्या कभी ऐसे भी केसेस आपके पास आए हैं जिसमें ये जो स्पोर्ट्स थेरेपी है इसके कुछ साइड इफेक्ट्स देखने में आए हों। देखें, एक चीज़ है, आपके बॉडी के स्ट्रक्चर्स डिफाइंड है, स्पेसिफाई है, आप हर एक मसल को एक स्पेसिफिक टेक्निक में यूज़ कर सकते हैं। अब आप मेरे पास आते हैं, मैं आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करवाता हूँ, तो एक्सरसाइज से होगा क्या? एक्सरसाइज जब आप मसल को इस्तेमाल करेंगे वहाँ पे खून की जो रवानगी है या सर्कुलेशन जो है वो इम्प्रूव होगी, आपके दिमाग का रुझान जो है उस स्ट्रक्चर की तरफ, उस मसल की तरफ ज्यादा हो जाएगा। तो फायदे तो बहुत ज्यादा है, नुकसान ऑब्वियसली है अगर आप उसको प्रॉपर टेक्निक के साथ इस्तेमाल नहीं करते, अगर आप उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं या बहुत ज्यादा कर जाते हैं, जैसे हम ओवरलोडिंग कहते हैं, तो ऑब्वियसली आपको कोई ना कोई नुकसान फेस करना पड़ेगा। नुकसान क्या हो सकते हैं? अगर मैं एक मसल को, मेरे मसल की कैपेसिटी फॉर एग्जांपल 10 kg है, मैं 10 kg वजन उठा सकता हूँ अगर मैं बाइसेप्स की बात कर लूँ, लेकिन मैं वजन बढ़ाना चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं 10 से आज 15 kg पे चला जाऊँ और मेरी बॉडी या मेरा जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो मुझे अलाउ नहीं कर रहा, तो उससे क्या होगा, मैं 15 kg उठाऊंगा, मैं 2 या 3 रेपिटेशन करूंगा, मेरा जो मसल है वो रप्चर हो जाएगा, और अगर मसल ब्रेक हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली जो आपने पावर या जो आपने स्ट्रेंथ गेन की थी वो सारी वेस्ट हो जाएगी और फिर आपको उसके लिए कुछ सर्जिकल इंटरवेंशन लेनी पड़ेगी। तो इसलिए नुकसान तो साथ साथ है, लेकिन अगर आप किसी की सुपरविजन में करें और एक डिजाइन मेथड के थ्रू करें, जो कि हमारा डिजाइन मेथड है इंटरनेशनली, उसे हम फिट प्रोटोकॉल कहते हैं, कि आप उसकी फ्रिक्वेंसी डिसाइड करते हैं तो उसने वीक में कितनी दफा करनी है, हर रोज करनी है या एक दिन छोड़ के एक दिन करनी है, फिर हम उसकी इंटेंसिटी डिजाइन करते हैं कितने केजी वेट उठाना है, फिर हम उसका टाइम डिसाइड करते हैं कि 10 मिनट करनी है, 20 मिनट करनी है या 50 मिनट करनी है, और फिर हम उसका जो टाइप है वो डिजाइन करते हैं कि कौन सी करनी है। अब मैं, एक पेशेंट आता है मेरे पास, मैं उसे एरोबिक करवाना चाहता हूँ, कि मैं चाहता हूँ कि वो ऐसी एक्टिविटी करे जिसमें उसे फ्रेश एयर बंडल में मिले, तो हम उसे वॉक रिकमेंड करते हैं। मैं चाहता हूँ ऐसा पेशेंट जो मेरे पास नहीं बाहर जा सकता, तो मैं उसे एक रूम के अंदर या एक जिम के अंदर एक्टिविटी करवाना चाह रहा हूँ, तो मैं उसे रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करवा सकता हूँ, मैं उसे एंड्योरेंस ट्रेनिंग करवा सकता हूँ। तो ये चीजें हम डिजाइन करते हैं, ये पूरा एक प्रोटोकॉल है जिसे हम फिट प्रोटोकॉल कहते हैं, हम उसके अकॉर्डिंग डिजाइन करके हम उसको, उस जो भी एक्स वाई जेड पार्टिसिपेंट होता है उसको हम उस एक्टिविटी में इंडल्ज करते हैं। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, हमने पिछले दिनों में हमने कुछ प्रोग्राम्स किए थे कार्डियक कंडीशन एंड डिसऑर्डर्स के हवाले से, उसमें फिजियोथेरेपी जो है वो किस तरह से अपना रोल प्ले करती है, तो वहाँ पे ये बात डिस्कस हो रही थी कि जिस तरह दिल के अमराज जो हैं वो बहुत ही एक नाजुक मसला है, और दिल अगर किसी आर्जे में मुबतला हो जाए तो वहाँ पे बड़ा आपको थिन लाइंस के साथ चलना पड़ता है, बहुत एहतियात के साथ चलना पड़ता है, तो उसमें फिजिकल थेरेपी जो है उसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे जिसमें भी आपने ये वेट उठाने की बात की, वजन उठाने की बात की, दिल के कुछ ऐसे अमराज होते हैं जहाँ पे आप हैवी वेट नहीं उठा सकते, आप ज्यादा टेंशन नहीं ले सकते, आपका बीपी शूट नहीं करना चाहिए, तो जब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं और कार्डियक कंडीशंस में जब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि अगर एक है पेशेंट है आपके पास आता है और उसके दिल के कुछ अमराज हैं, तो उनको अगर आप स्पोर्ट्स की तरफ एंगेज करते हैं तो मे भी उनका दिल जो है वो उतना वजन या उस तरह की एक्सरसाइजेस या उस तरह की मूवमेंट नहीं कर सकता, तो वहां पे स्पोर्ट्स जो है या स्पोर्ट्स थेरेपी जो है वो अपना रोल कैसे अदा करती है। इसमें मैं एक एग्जांपल कोट करना चाहूंगा, पिछले दिनों एक 300 kg का एक बंदा था, नूर हसन या नूर हुसैन के नाम से, जी जी बिल्कुल, उनका लिपोसक्शनिंग या उसका कह लेंगे उनका जो फैट था उसको कम किया गया था, वो 300 kg प्लस एक
पर्सन था और उसका दिल भी 300 kg के हिसाब से धड़कता था। सही। अब उनके वजन को 100 किलो कम कर दिया गया। हाँ। जब 100 किलो कम हुआ तो उनका दिल की धड़कन अब उसके हिसाब से एडजस्ट नहीं हो रही नहीं थी। हुई। अब ऐसे पेशेंट को अगर आप एक्टिविटी में इंडल्ज करते हैं और आप उनको थोड़ी सी भी ज्यादा एक्टिविटी करवा देंगे तो उससे नुकसान उनका ये होगा कि उनका जो दिल है वो धड़कना बंद कर सकता है, जिसे हम हार्ट सही। अटैक कह सकते हैं या इस तरह के जो प्रॉब्लम आते हैं जिसे हम कह सकते हैं। तो ये चीजें जो उनसे हमें कॉमनली मिलती हैं, इसीलिए मतलब मैं ये बताने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आप किसी पार्टिसिपेंट को जिनको दिल का कोई मसला है अगर आप उनको मॉनिटर्ड एक्सरसाइज करवाएंगे तो ऑब्वियसली कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर वो इंटेंसिटी बढ़ा दी जाए या उनकी चीजों को मॉनिटर ना किया जाए तो ये बिल्कुल चांस है कि उनका जो दिल है वो उनके साथ अपना जो काम है वो उस तरह प्रॉपरली परफॉर्म ना करे और उसकी वजह से उन्हें कोई कार्डिक अरेस्ट या कार्डिक प्रॉब्लम जो है वो सफर या फेस करनी पड़े, और ये चीजें मिलती हैं। सही सही हो गया। अच्छा समीन, मैं आपको बताती चलूं कि हमारा ये प्रोग्राम जो है वो फेसबुक पे लाइव भी जा रहा है और वहाँ पे आप यकीन अपने सवाल कर सकते हैं और हमारे प्रोग्राम को लाइक भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे प्रोग्राम को लाइक किया है हमारे कुछ समीन ने, जिनमें उनके नाम हैं इरफान भट्टी हैं, मलिक नवीद हैं, जय देगरा हैं, फजल रहीम खान हैं, नदीम शाह हैं और इरम आवान हैं। इन तमाम लोगों ने हमारा प्रोग्राम जो है वो लाइक किया है। इसके साथ कुछ सवालात हैं जो कि मैं चाहूंगी कि यहाँ पे पूछ लिए जाएं आपसे। एक सवाल हमारे पास ये आया है कि जिन लोगों का पेट निकला हुआ होता है उनके लिए कौन सी वर्जिश करनी जरूरी है ताकि वो पेट जो है वो अंदर हो जाए। स्पोर्ट्स किस तरह की आप इनको ये रिकमेंड बहुत करेंगे? कॉमन क्वेश्चन है। देखिए बात यह है कि अल्लाह ताला ने हर चीज का बड़ा एक बैलेंस सिस्टम रखा हुआ है। आपका एक मसल जो सा है ताकत में होगा और दूसरा कम ताकत में होगा तब भी नुकसान है। सही। हर बॉडी के एक मसल के अगेंस्ट दूसरा जो एक ग्रुप ऑफ मसल है वो उसको कंट्रोल कर रहा होता है। अगर मैं बाजू की बात कर लूं तो एक पट्टे के अगेंस्ट एक दूसरा दूसरी साइड पे पट्टा होता है जो उसको रोक रहा होता है या उसको रेजिस्ट कर रहा होता है। इसी तरह जो पेट है, ठीक है, हम ओवर ईटिंग की वजह से या अपनी एक्टिविटी अपने लाइफस्टाइल की वजह से प्रॉब्लम ये क्रिएट करते हैं कि हमारा जो फैट है वो पेट में या एब्डोमन एरिया पे डिपॉजिट होना शुरू रहता है। और इसमें मैं ये बताता चलूँ, ये कॉमन है। आप अगर खाना ज्यादा खाते हैं या आप आपका मेटाबॉलिज्म कम है या आपकी फिजिकल एक्टिविटी या कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं है तो जो फैट डिपोजिशन है वो सबसे पहले पेट में होगी। सही। मेल में ज्यादा पेट में होगी, फीमेल में ज्यादा कंधों में, और जो बटक्स वाले कोले वाले एरिया वहां पे कॉमनली ये सही। डेपोजिशन होती है। अब इसमें होता क्या है, अब होगा ये कि अगर मैं ऐसे किसी पार्टिसिपेंट को एक्टिविटी करवाऊंगा तो पहले मैं उनके मसल्स बैलेंस देखूंगा, मसल चेक करूंगा किस मसल में पावर कम है किस में ज्यादा है। फिर आप उनको डिफरेंट टाइप की एरोबिक्स एक्टिविटी करवाते हैं, रेजिस्टेड टाइप एक्टिविटी करवाते हैं, और वो एक्टिविटीज जिसमें उनका टाइम 20 मिनट से कम 20 मिनट से ज्यादा हो। मतलब अगर वो सही एक्टिविटी करें तो मिनिमम टाइम जो उस एक्टिविटी को दे वो 20 मिनट दें। सही। इसमें क्या होता है कि आपके बॉडी में जो आपके शुगर है जिसे हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं वो इस्तेमाल हो जाते हैं, जो प्रोटीन है वो इस्तेमाल हो जाती है, और उसके बाद नंबर आता है आपके फैट का। जब आप 20 मिनट से ऊपर जाते हैं तो आपका फैट जो है वो यूटिलाइज होना शुरू होता है या इस्तेमाल होना शुरू होता है। तो अगर आप 20 मिनट से ऊपर एक्टिविटी करते हैं और उसको कंटिन्यूस रखते हैं तो आप अपना वजन खुद ही कम होता हुआ देखेंगे। और इसमें सही। सबसे अच्छी एक्टिविटीज है कि आप ओपन एयर एक्टिविटी करें अर्ली मॉर्निंग या जो शाम का टाइम होता है इवनिंग टाइम होता है उसमें आप एक्टिविटी में इंडल्ज हो और कोशिश करें कि 20 मिनट से ऊपर जाएं उतनी ठीक एक्टिविटी करें ताकि जो उनसे आपका वजन कम हो। और इसमें एक और चीज मैं आपको बताता चलूं, हमारे यहाँ पे जो थोड़ी सी मिसकंसेप्शन है वो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारा कुछ ऐसे करके एक चुटकी बजे जादू हो और वजन और जो उनसे वजन कुछ कम हो किलोज में कम जाए। हो जाए, ये भी गलत प्रैक्टिस है। है। हमें जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस है उसको फॉलो करना चाहिए। वो ये कहते हैं कि 1 हफ्ते के अंदर आप 1 किलो से ज्यादा वजन कम नहीं कर नहीं सकते कर सकते। क्योंकि आपका दिल जो है वो उस वजन के हिसाब से एडजस्ट हुआ होता है, उस मसल के उस वजन के हिसाब से धड़कन कर रहा होता है। सही। और आप अगर अचानक वजन कम कर देंगे तो आपका जो दिल है उसके आर्जे में मुबतला हो सकते हैं या और मसाइल जो कमर में दर्द होता है या और जगहों पर दर्द वो शुरू हो सकता है। तो इस चीज को बैलेंस करके करना पड़ता है। तो आप अपनी एक्टिविटी कंटिन्यूस रखें, आप 2-3 वीक आप शुरू में तो आपको वजन कम नहीं होगा, लेकिन आप 1 महीना कम से कम एक्टिविटी करेंगे तो आप देखेंगे आपका वजन जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। मुनश हो जाएगा जी। समीन, आपने सुन ली डॉक्टर साहब की बात। हमारे यहाँ वाकई में बहुत सारे लोग जो हैं वो इस परेशानी या इस खुशफहमी में भी होते हैं कि वो जितनी टफ एक्सरसाइजेस करेंगे और उतना ही जल्दी जो है वो अपना वजन जो है वो कम कर सकते हैं। तो आपको डॉक्टर साहब की बात से अंदाजा हो गया होगा कि ये चीज़ जो है ये कभी भी फायदेमंद नहीं है, बल्कि इसके नुकसान जो हैं वो ज्यादा हैं।
अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल हमारे पास आया है, वो ये है कि वजन की वजह से टांगों पर दबाव को कैसे कम किया जा सकता है? ये नामुमकिन सी बात है। सही, उसकी वजह ये है कि आपका सारी बॉडी का वजन, आपके सर का, बाजुओं का, सीने का, पेट का वजन आपकी टांगों में डिस्ट्रीब्यूट होता है या डिवाइड होता है, या कह लें कि वो अलहदा अलहदा होके दाएं वाली टांग में और बाएं वाली टांग में आ जाता है। अगर आपका वजन बढ़ता जा रहा है तो आने वाले वक्तों में ये चीज आपको आराम से मिल जाएगी कि आपके घुटनों में जो है वो दर्द होना शुरू हो जाए, या उसे हम जो कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये कॉमनली मिलता है। उसका सबसे अच्छा हल ये है कि आप इस चीज पे तवज्जो दें या अपना ज्यादा फोकस रखें कि आपका टांगों पे वजन कम पड़े। उससे ज्यादा अच्छी चीज ये है कि आप अपना वजन कम करें। सही, वजन कम होगा, ऑटोमेटिकली टांगों पे जो वजन पड़ रहा था, जो आपके जिस्म के ऊपर वाले हिस्से का वजन आ रहा था, वो कम होगा। और जब वो वजन कम होगा तो खुद खुद ही आपके कुदरत नाम उसे कह सकते हैं कि आपकी जो टांगे हैं वो ठीक रहेंगी। बिल्कुल अदरवाइज इसमें सही। लेटर स्टेजेस में जाके ऑस्टियोआर्थराइटिस या घुटनों के जो मसाइल हैं वो हमें कॉमनली मिल रहे होते हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि बच्चों में और बड़ों में अगर हम देखें, जो बूढ़े लोग होते हैं, तो उसमें ये स्पोर्ट्स थेरेपी जो है वो अपना किरदार किस तरह से अदा कर सकती है? देखिए, मैं आपको पहले जैसे बता रहा था कि बच्चों में क्या प्रॉब्लम आ रहा है आजकल हमारे यहाँ की जनरेशन में, कि हम मोबाइल यूजर बहुत कॉमनली हो गए हैं। हम घर आते हैं, खाना खाते हैं और एलईडी चला के बैठ जाते हैं। उससे नुकसान क्या होता है, हमें देखते हैं, हमारे बच्चे भी उसी चीज को फोकस कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये आएगा जब वो बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे, तो उनकी जो बॉडी में चेंज आ रहा है या जो उनकी ग्रोथ हो रही है वो स्लो हो जाएगी। अब सही, जब उनकी ग्रोथ स्लो हो रही है तो ऑटोमेटिकली वो, उनका ना कद अच्छा होगा, ना उनकी कोई फिजिकल फिटनेस अच्छी होगी, ना वो इंटरनेशनल लेवल पे किसी के साथ अपने आप को कंपेयर कर सकेंगे। सही, तो हमारा जो बेसिकली स्पोर्ट फिजियोथेरेपिस्ट का या स्पोर्ट्स का काम होता है, वो बेसिकली होता है कि हम उन बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज में इंडल्ज करें जिसमें उनके बॉडी के अंदर जो मेटाबोलिज्म है वो बढ़े। जब मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो क्या होगा, ग्रोथ अच्छी होगी। ग्रोथ अच्छी होगी तो क्या होगा, वो इंटरनेशनल लेवल पे किसी को भी कम्पीट कम्पीट कर सकते हैं। और वो कम्पीट इस वजह से कर सकते हैं क्योंकि उनका स्टेमिना, उनकी इंड्योरेंस उस इंटरनेशनल जो भी इंडिविजुअल है उनके इक्वल है। हमारे यहाँ पे मोबाइल यूजर इतने ज्यादा हो गए हैं, उसकी वजह से बच्चे हैं वो आजकल कंप्लेन करते हैं, मेरे कंधों में दर्द होता है, मेरी गर्दन में दर्द होता है। हालांकि एक टाइम मतलब ऐसा है कि हम 18-19 साल तक किसी को पता भी नहीं होता था कोई दर्द किसी चीज का नाम है, लेकिन हमारा क्योंकि फोकस चेंज हो गया है तो अब ये चीजें हमें कॉमनली मिल रही हैं। इसी तरह जो आपने बुजुर्गों की बात किया या बुढ़ापे की बात किया, उसमें भी अगर आप एक्टिविटीज को कंसाइजली या मोनिटर्ड करके चलते हैं तो ऑब्वियसली आपकी जो तकलीफ है वो कम हो जाती है। इसमें मैं एग्जाम्पल कोट करना चाहूंगा, जो हमारे आर्मी मैन है, जो हमारी आर्मी है, या आप जो कह लेंगे जो स्पोर्ट्स प्लेयर्स होते हैं, वो सही। रिटायर्ड होते हैं 60-70s, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। और एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल का या एक एक्स वाई जेड इंडिविजुअल जो है वो 40s के बाद जाके कंप्लेन करना शुरू कर देता है कि मैं दिल के आरजे में मुबतला हूँ, या मुझे ब्लड प्रेशर का मसला है, या मुझे शुगर का मसला है। सही। सिर्फ फर्क दोनों में यह है कि वो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, वो स्पोर्ट्स करते हैं, और एक जो सादा इंसान है, एक नॉर्मल इंडिविजुअल है, वो ऐसी एक्टिविटी नहीं करता। बिल्कुल जब वो सही। नहीं करेगा तो ऑटोमेटिकली चीजें जो उनसे हैं वो उनकी खराब होती जाएंगी और उन्हें बहुत जल्दी स्टेज में जाकर इस तरह के प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। बिल्कुल सही। और डॉक्टर साहब, आपकी बात में ही ऐड करते हुए कि इसमें डेफिनेटली फिजिकल थेरेपी तो अपना रोल, फिजिकल एक्टिविटी जो है वो अपना रोल प्ले करती है, लेकिन इसके साथ साथ खुराक में भी एहतियात करना और बेहतरीन खुराक लेना वो बहुत जरूरी है। जहाँ पे हमने बच्चों के हवाले से ट्रेंड की बात की, वहाँ पे आजकल एक ट्रेंड ये भी बहुत कॉमन है कि हम बच्चों को जंक फूड की तरफ जो लेके जा रहे हैं, उसका भी यकीन इस हवाले से बहुत ज्यादा है। तबीयत जो है वो एकदम से इस तरह बोझल सी होने लगती है, और बच्चा जो है वो उस तरह से, या इवन बूढ़े भी जो है वो हमारे यहाँ ट्रेंड चल निकले कि वो भी जंक फूड के बहुत ज्यादा आदी हो गए, तो उस तरह से तबीयत जो है वो आपकी जब मकदर रहती है तो आप उस तरह से चीजें नहीं कर पाते। जिसमें आप एक हेल्दी डाइट लेते हुए, जिसमें फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, दालें वगैरह हैं, वो आप लेते हुए आप कर सकते हैं। अच्छा, मुझे यहाँ पे ये बताइएगा कि जो हम बच्चों के हवाले से बात करें, तो ये क्या ट्रेंड जो है, ये बीइंग डॉक्टर, आप मुझे बताइएगा कि ये सिर्फ पाकिस्तान में ये बहुत ज्यादा ये रुझान है, या बाकी दुनिया भी में भी इस तरह का रुझान देखने में आता है? नहीं, वो कहने वाली बात है कि हमारे यहाँ पे हर चीज जो है ना, हम अटेन कर रहे हैं बाहर से, वहां पे जो चीज खत्म हो रही है हम उन चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे सही। हैं। जंक फूड या फास्ट फूड की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली सारी फैट है, फैट है।
आप फैटी फूड इंटेक कर रहे हैं तो फिर हम कहते हैं हमारे बच्चों का वेट बढ़ रहा है और बहुत ज्यादा ओवर वेट हो रहे हैं। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि आप उन्हें कोई एक्टिविटी में इंडल्ज नहीं कर रहे, कोई एक्टिविटी नहीं करवा रहे और वो फास्ट फूड का जो इंटेक है वो करते जा रहे हैं। उससे प्रॉब्लम क्या होगा, वजन बढ़ेगा। ठीक है, सही और जब वजन बढ़ेगा तो जो प्रॉब्लम्स है वो ज्यादा होंगे। इसमें सबसे अच्छी चीज वो ये है कि आप अपने घर में खाना बनाएं, सब्जियों पे ज्यादा फोकस करें, बच्चे हैं उनको डेयरी प्रोडक्ट्स पे ज्यादा फोकस करवाएं, उनको जो फ्रूट्स हैं उस पे ज्यादा फोकस करवाएं, तो ऑटोमेटिकली जो इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं वो हमें फेस नहीं करने पड़ेंगे। और रही बात बाहर की, तो बाहर ये रुझान इतना ज्यादा नहीं है जितना पाकिस्तान में है। वहां पे भी है लेकिन बहुत कंसाइज या बहुत नैरो। हमारे यहाँ पे एक सही कॉमन ट्रेंड है कि हम मतलब वीकेंड प्लान करते हैं और आउटिंग करते हैं और हम अपने बच्चों के साथ वही फास्ट फूड या जंक फूड जो सा वो इंटेक कर रहे होते हैं। हम कर रहे हैं तो हमारे बच्चे भी कर रहे हैं, और जब हमारे बच्चे कर रहे हैं तो दोनों को बेसिकली उसका नुकसान हो रहा है। नुकसान हो रहा है। और इसी में डॉक्टर साहब, जब हम ये जो हम मोबाइल के हवाले से बात करें, लैपटॉप के हवाले से हम बात करें, तो इसमें जो रेडिएशंस होती हैं वो इटसेल्फ एक बहुत ही मुझे लगता है नेगेटिव इफेक्ट्स के साथ आती हैं। नहीं, उसमें बेसिकली देखें, एक छोटा बच्चा जो भी मतलब 3-4 साल का है, आपने उसे मोबाइल यूजर बना दिया, अब वो क्या करेगा, मोबाइल अपने नियर टू आइज रखेगा। अब जब वो नियर टू आइज रखेगा तो उसकी जो कंसंट्रेशन है वो उस मोबाइल की वजह से ज्यादा हो गई है, क्योंकि ऑब्वियसली रेज भी हैं एज वेल उसकी ब्राइटनेस भी है। तो हमारे जो बच्चे हैं वो आमतौर पर 12-15 साल के बाद ग्लासेस यूज करना शुरू कर देते हैं, और अगर 12-15 साल की उम्र में करें तो वो 30-40s में जाके उनकी जो नजर है वो काफी वीक हो जाती है। तो इसलिए ज्यादा अच्छा ये है, या ज्यादा मतलब कह लें कि माओं को ये करना चाहिए कि बच्चों को इस तरह की एक्टिविटीज की बजाय उनको बाहर लेके जाएं, उनको डिफरेंट टाइप की स्पोर्ट्स में इंडल्ज करें। ठीक है, ताकि उनके जो बॉडी के सारे स्ट्रक्चर हैं सिर्फ दो हाथ और दो आंखें काम करने की बजाय पूरा जिस्म काम करे, ताकि जो उनके बॉडी की सर्कुलेशन है वो बढ़े, जो उनकी ग्रोथ हो रही है, क्योंकि एक बच्चा छोटा है जो खड़ा नहीं होता और फिर माशाल्लाह वो वजन और अपनी ताकत और अपनी हाइट बढ़ाता बढ़ाता 18 साल की उम्र तक एक अच्छी बॉडी और एक अपना हाइट गेन कर लेता है। तो वो चीज तब आएगी, तब अच्छी आएगी जब वो एक्टिविटीज करेगा। अगर वो मोबाइल यूजर है या सेडेंटरी लाइफस्टाइल के साथ चलता है तो ऑटोमेटिकली वो चीज उसकी उस तरह इम्प्रूव नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। सामईन, डॉक्टर साहब की बात से मैं उनकी बात को सेकेंड करते हुए खास तौर पे मदर से मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगी कि काइंडली आप लोग थोड़ा सा अपना जो आपका लग्जरी जोन है उसे थोड़ा सा बाहर आइए, और ना सिर्फ ये कि आप बच्चे को इसलिए मोबाइल थमा दें कि थोड़ी देर घर में सकून हो जाएगा या बच्चे जो है वो सकून से बैठे रहेंगे और आप जो है वो अपने बाकी काम कर लेंगी। आप जरूर कोशिश कीजिए कि एक अच्छी माँ बनने का रोल अदा करें, और उसमें बच्चे के लिए वो ऐसी एक्टिविटीज आप जरूर प्लान करें, उन एक्टिविटीज की तरफ बच्चों को जरूर लेके आए जो कि उनके लिए आज की डेट में नहीं बल्कि आज से कई सालों बाद के लिए भी जो है वो उनके लिए मुआवन साबित हो सके और एक अच्छा उनकी सेहतमंद जिंदगी के हवाले से रोल प्ले कर सके। डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक सवाल हमसे किया गया है कि बच्चे सुबह स्कूल चले जाते हैं, फिर ट्यूशन चले जाते हैं, फिर कारी साहब आ जाते हैं, फिर उसके बाद जो है वो उनको खेलने का टाइम नहीं मिलता, तो ऐसे बच्चों के लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं? देखिए, ये लाइफस्टाइल हमने अडॉप्ट किया ना, हम सुबह बच्चों को स्कूल भेजते हैं, वो घर आते हैं रेस्ट नहीं करते, वो ट्यूशन चले जाते हैं, ट्यूशन से वापस आते हैं वो रेस्ट नहीं करते, कारी साहब आ जाते हैं। मतलब एक बच्चा जो अभी 8-10 साल का है वो सुबह एक भारी वजन वाले बैग के साथ निकलता है और वो शाम तक अपने आप को एंगेज रखता है। इसी में मैं दूसरी बात बताता चलूं, ये भी एक गलत रुझान है कि जो बच्चे होते हैं उनके बैगों का वजन ज्यादा होता है, उनका जैसे अपना जैसे वो कॉलेज में जाना शुरू करते हैं यूनिवर्सिटी में, तो वो बैग खत्म से बल्कि कापी तक रह जाता है, एक डायरी तक रह जाता है, तो वो भी एक नुकसानदेह चीज है। लेकिन खैर, आप अगर ऐसा स्केड्यूल बच्चों का है जो कि हमारे यहाँ पे कॉमन है, तो आप उनका वीकेंड यूटिलाइज कर सकते हैं। आप उन्हें हफ्ते एतवार वाले दिन या जिस दिन आपके पास टाइम है आप उन दिन बच्चों को लेके जाएं, उनको एक्टिविटीज करवाएं, ताकि जो पिछले पूरे 4-5 दिन की एक एक्सर्शनल एक्टिविटी थी वो से बाहर निकले और उनकी सर्कुलेशन इम्प्रूव करे। लेकिन अगर आप उनको 4-5 दिन के बाद जो आपके 2 दिन रिलैक्सेशन के होते हैं आप अपना भी रेस्ट टाइम बना लें और बच्चों का भी बना लें तो वो नुकसानदेह। आप उनको बिल्कुल एक्टिविटीज में डालें, आप खुद भी जाएं पार्टिसिपेट करें, बच्चों को भी लेके जाएं उनको भी पार्टिसिपेट करवाएं, तो ऑब्वियसली वो चीजें जो सी हैं फायदेमंद और होंगी। दूसरा मेरा ख्याल है इस सिलसिले में जो हमारे तालीमी इदारे हैं वो अपना किरदार अदा कर सकते हैं कि वो बच्चों के लिए फिजिकल एक्टिविटीज कुछ इस तरह से प्लान करें कि सिर्फ उनको किताबों और बस्तों तक महदूद ना रहने दें बल्कि कुछ उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होनी चाहिए जिसमें उनकी माइंड
लाइक एक्टिविटीज होनी चाहिए, फिजिकल एक्टिविटीज होनी चाहिए, और पेरेंट्स अपना रोल इस तरह से प्ले करें कि वो बच्चों को एनकरेज करें इस तरह की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए। हमारे जो करिकुलम्स बने हैं उसमें ये चीजें हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, लेकिन जो स्कूल्स हैं वहाँ पे इतना फोकस नहीं है, फोकस नहीं है पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो आप इंटरनेशनल लेवल्स के स्कूल देखते हैं, जैसे रूट्स हो गए या दूसरे इंस्टीट्यूट हो गए, जो इंटरनेशनल जो बुक्स उनको फॉलो करते हैं, वो इस तरह की एक्टिविटीज में अपने बच्चों को इंडल्ज करते हैं। उनका फायदा ये होता है कि उनका आप अगर IQ देखें वो इम्प्रूव्ड होता है या बहुत अच्छा होता है, मतलब फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं वो साथ अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो वो ज्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू कि आप सिर्फ किताबों के ऊपर रुझान रखें और एक भारी भरकम बैग उठा के सुबह स्कूल चले जाएं और शाम में आकर फिर जैसे आपने बताया कि ट्यूशन और भिखारी साहब आ गए, तो वो 7-8 बजे जब फ्री होंगे तो उसके बाद उनके पास सिर्फ सोने के अलावा और कुछ नहीं बचेगा, और उनकी थ्रू आउट यही रूटीन होगी कि सुबह वो स्कूल जा रहे हैं, शाम में आके वो भिखारी साहब और ट्यूशन कर रहे हैं, और 8-9 बजे वो सो के सुबह फिर से वही रिपीट जो है कर रहे हैं। ये चीज नहीं होनी चाहिए, उनको कुछ नई चीज सीखने को मिलनी चाहिए, और वो कहां से मिलेगी, जब पेरेंट्स और बच्चों का कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, जब आप उनको बाहर लेके जाएंगे, उनको विजिट्स करवाएंगे, उनको एक्टिविटीज में इंडल्ज करेंगे, उन्हें किसी स्पोर्ट्स में इंडल्ज करेंगे, तो इंशाल्लाह जो चीजें हैं वो बेहतर हो जाएंगी। सही डॉक्टर साहब, आपके आने का बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही डिटेल में हमारे सामईन के साथ शेयर किया कि फिजियोथेरेपी में या फिजिकल थेरेपी में जो है वो स्पोर्ट्स अपना किरदार किस तरह से अदा करते हैं और किस तरह से हमें अपने लाइफस्टाइल को बदलने की जरूरत है। वक्त हमारे पास क्योंकि कम है, इसलिए मैं चाहूंगी कि आखिर में अगर आप अपने सामईन के साथ अपने मिलने का पता शेयर कर लें, कि अगर हमारे सामईन जो है वो पर्सनली आपके साथ अपॉइंटमेंट लेके अपने केसेस डिस्कस करना चाहें और आपकी फर्दर एक्सपर्ट ओपिनियन लेना चाहें, और किस नंबर पे आपसे कांटेक्ट किया जा सकता है? यहाँ पे जो पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन है, मैं उनके साथ ऑन बोर्ड हूँ, वहाँ पे अगर कोई मुझसे कोऑर्डिनेट करना चाहता है तो वहाँ पे भी अवेलेबल होता हूँ। उसके अलावा एक सखर हॉस्पिटल है कुरी रोड पे रावलपिंडी में, मैं वहाँ पे भी प्रैक्टिस करता हूँ, और आपके यहाँ पे पिशावर रोड पिंडी में ही निसार हॉस्पिटल है, उसके बिल्कुल साथ एक हमारा कॉलेज अभी बन रहा है, इंशाल्लाह 1-2 दिन में वो फाइनल हो जाएगा, तो हम वहाँ पर भी होंगे। वहाँ पे भी हम नीचे एक स्टेट ऑफ द आर्ट जो सा एक सेंटर बना रहे हैं रिहैब का, जिसमें सारी जो फैसिलिटीज हैं, जिसमें स्पोर्ट्स के अलावा कार्डियो की या मस्कुलोस्केलेटन की या न्यूरोलॉजिकल जो कंडीशन है उसकी फैसिलिटीज होंगी, तो आप इनमें से किसी भी जगह पे आके आप अपना रब्ता कर सकते हैं और आप अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और अगर रابطے के लिए आपका नंबर हो तो? रابطے के लिए जी 0333-696-6697 ये मेरा नंबर है, ठीक है, अगर कोई रابطہ करना चाहे तो मोस्ट वेलकम रابطہ करें, मैं अपना टाइम डिसाइड करके उनके साथ शेयर कर लूंगा और वो अपना जो मतलब प्रॉब्लम है वो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल सही समय, इनका नंबर जो है ये हमारे पास जो फेसबुक की जो हमारी स्क्रीन है जहाँ पे आप ये प्रोग्राम हमारा लाइव देख रहे हैं वहाँ पे भी ये नंबर जो है वो हमने ऑन एयर कर दिया, आप वहाँ से भी ये नंबर नोट कर सकते हैं, और अगर आप डॉक्टर साहब से मजीद कोई इनकी राय लेना चाहते हैं अपने किसी भी इस किस्म के इशू या बीमारी के हवाले से तो वो आप ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपका प्रोग्राम में आने का बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया।